एक मशहूर सूरा सूरह कौसर, उसकी पहली आयत से किया। ये वो सूरा है जो वेरी रिकमेंडेड सूरा, औलाद के लिए बहुत अच्छा सूरा है, इसलिए कि इस सूरे में अल्लाह ने नस्ल का जिक्र किया, औलाद का जिक्र किया। बहुत ही अच्छा सूरा, मक्की सूरा है, और यह सूरा शहजादी कौनैन से वाबस्ता है, मादरे हसनैन से, इसलिए कि यह सूरा उस वक्त नाजिल हुआ था जब बीवी की विलादत हुई थी। जब बीवी की विलादत हुई मक्के में, तो मक्के के काफिर और मुशकीन ने आके कहा था कि रसूल की नस्ल अबतर हो गई, नस्ल ख़त्म हो गई, जनरेशन ख़त्म हो गया, इसलिए कि आपको लड़की पैदा हुई। मैं नाम नहीं लेता, आप बेहतर जानते हैं कि मक्के के वो कौन बड़े बड़े लोग थे, तारीख के बड़े बड़े लोग। तो उन लोगों ने आगे कहा था कि नस्ल रसूल ख़त्म हो गई, अबतर हो गई, अब बेटा नहीं है, नस्ल ख़त्म हो जाएगी, अब इनके बाद क्या करोगे, मुसलमानों से कह रहे। अल्लाह के रसूल को हर्ट हुआ, तकलीफ हुई, जब कहा कि अबतर होगी, सरकार को तकलीफ हुई, हर्ट हुआ। अल्लाह ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि हबीब को हर्ट हो जाए। अल्लाह का हबीब है हमारा रसूल, अल्लाह के रसूल को हर्ट हो, अल्लाह ये कभी बर्दाश्त। अल्लाह ने पूरा सूरा भेज दिया, कहा मेरे हबीब इन्ना आता है ना कल कौसर, हमने तुमको कौसर अदा किया है, हमने आपको कौसर दिया है, फसल ले रब्बी का वनहर, तुम फौरन शुक्र अदा करो, नहर करो जानवर को, फसल ले इन्ना आता निकल कौसर, फसल ले रब्बी का वनहर, इन्ना शाने का हुआ अबतर, अबतर तो वो हुए, उनकी नस्ल तबाह होगी। दोस्तों अब लफ्ज कौसर, अल्लाह कह रहा है मेरे हबीब हमने आपको कौसर अता किया, मैं मौला हसन ही के ऊपर, कौसर क्या है, इतना छोटा दावड़ है कौसर। कौसर वो नहर का नाम नहीं, एक अहले सुन्नत के बहुत बड़े आलिम अब्दुल्लाह अबू बकर, उन्होंने इसकी तफसीर लिखी, कई लोगों ने लिखी, तफसीर कबीर में भी है। मैं अपने उलमा की बात नहीं कर रहा, बड़े बड़े जो मुसलमानों के उलमा जिसकी हम सब इज्जत करते, उन्होंने जब सूरह कौसर की तफसीर लिखी तो कहा कि एक आलिम ने लिखा कि कौसर के माने वही कौसर है जो हौज़े कौसर है, एक ने लिखा कि जन्नत में एक हौज है जिसका नाम कौसर है, जो अल्लाह ने रसूल का अता किया, एक ने कहा एक दरख्त है, ट्री है जन्नत में, वो अल्लाह ने रसूल का अता किया। एक सारे मुसलमानों के मुफस्सिरीन की बात कर रहा हूं, एक ने लिखा कि नबूवत है, जो अल्लाह ने नबूवत दी रसूल को उसका मतलब है कौसर का। सारे ये जो दिए गए जिन मुफस्सिरीन ने लिखा, इन सारों को रद्द किया अब्दुल्लाह अबू बकर ने। अब्दुल्लाह अबू बकर कहते हैं कि जन्नत में जो नहर है वो तो बाद में मिला, इसलिए कि अल्लाह के रसूल का खुद ये ऐलान है कि मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम आबोगिल के दरमियान थे। और इस सूरे में अल्लाह कह रहा फसल ले रब्बे का, इन प्लीज गौर से सुने, इन्ना आता है ना कल कौसर, ए मेरे हबीब हमने आपको कौसर दिया, फसल ले रब्बे का, फौरन आए नहर करो जानवर को, शुक्र अदा करो। कहा कि अरबी में जब भी दो, गौर से सुन रहा, दो सेंटेंसेस समझते हो ना, दो सेंटेंसेस के बीच में अगर फे आ जाए तो इसका मतलब है फौरन। प्लीज 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 गौर से सुनो, दो सेंटेंसेस के बीच में अगर फे आए तो इसका मतलब राइट नाउ, फौरन सारी दीवारें टूट जाती बिला फसल। अब इसकी मिसाल दूं, कुन फए कुन, अल्लाह इरादा करता फौरन हो जाता, यहां पे भी फे है, मन कुन तो मौला हो फहाजा अली मौला,
कुंतम आला हो फाजा लियोन माला फे है यहां पे भी बीच में फौरन, बीच में कुछ और नहीं बिला फसल। तो यहां पे भी अल्लाह ने फौरन कहा फसल ले ले रब्बे का वन, फौरन तुम शुक्र अदा करो नहर करो जानवर का। तो उन्होंने ये कहा कि यहां पे लफ्ज फे इस्तेमाल हो रहा, इसका मतलब अभी कोई चीज अल्लाह ने अता की है, इसलिए क्या अल्लाह का रसूल कह रहा मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम आबो गिल के दरमियान थे, तो उस वक्त तो कुछ नहीं था, या वो था जिसने खल्क किया था या वो थे जो थे, इनके अलावा कोई नहीं था। खुद अल्लाह का रसूल कहता कि हमने हजारों बरस उसकी इबादत की है, हम इबादत कर रहे थे, हमारी इबादत को देख के मलाइका ने इबादत सीखी, हमारी वजह से ये सब जमीन और आसमान बने। तो बर तो इसमें कहा उस अब्दुल्ला अबू बकर अब्दुल्ला कहते कि अभी कोई चीज अदा की, हौज कौसर बाद में बना, दरख बाद में बना, रसूल तो पहले से था, तो अब वो कहते कि कौसर ना हौज कौसर है, ना वो दरख्त है, ना वो नबूवत है, ना वो झाड़ है, बल्कि कौसर के माने कसीर औलाद का होना है, और कसीर औलाद किसी और के बतन से नहीं, मादरे फातिमा है जो बीच में आई फातिमा के बतन से, और हसन सूरे कौसर की तफसीर बनकर पैदा हुए। अल्लाह ने क्या कहा कि इनकी नस्ल अबतर हुई, तुमको तो हमने कौसर अता किया। अब मैं आपसे पूछता हूं 1400 साल हो गए, जिन जिन लोगों ने अबू जहल ने अबू लहब ने उतबा ने वलीद ने खालिद ने जिन जिन लोगों ने ये कहा कि रसूल की नस्ल अबतर हो गई, नस्ल खत्म हो गई, 1400 साल के बाद भी अगर कोई अबू जहल की नस्ल का है भी अबू लहब की नस्ल का है भी तो ये नहीं बोलता कि मैं अबू जहल का बेटा हूं।